अब जो टॉपिक है वो है हेलमर्ट्स एंड गिब्स फ्री एनर्जी। बेसिकली ये दोनों जो है ना सेम सेम है। कैसे? इसकी जब डेफिनेशन पे आती है, ये करता है मैयर करता है मैक्सिमम वर्क को ओबटेंड फ्रॉम, कहाँ से होता है? प्रोसेस। एक प्रोसेस हो रहा है उसमें मैक्सिमम वर्क ओबटेन करेगा, ठीक है, जिसमें इंक्लूड दो चीज़ें, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये मैक्सिमम यूज़फुल वर्क ओबटेन करेगा फ्रॉम प्रोसेस से, ये मैक्सिमम वर्क ओबटेन करेगा, ठीक है, ये मैक्सिमम यूज़फुल वर्क ओबटेन करेगा फ्रॉम प्रोसेस। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इसमें मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल आता है, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाता है। इसको ज़ाहिर करते हैं ए से, इसको ज़ाहिर करते हैं जी से। इसका फार्मूला ए इज़ इक्वल टू ई माइनस टी एस, इसका एच माइनस टी एस फार्मूला है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी? ए, ये फार्मूला लिखा दोनों का, फिर इसमें चेंज इन वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इधर भी चेंज इन वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर किया, डेल्टा डेल्टा दोनों के साथ लग गया इक्वेशन के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास टी डी एस है, इधर इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये क्या होती है क्यू रिवर्स है इसकी वैल्यू, क्यू रिवर्स। इधर क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले एच है, फिर इसका मतलब ये है कि हम एच की वैल्यू पुट करेंगे, एच में फिर आगे ई आ जाता है, ई की वैल्यू फिर ये पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इधर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई हुआ, E इज इक्वल टू क्यू रिवर्स माइनस डब्ल्यू, इधर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई हुआ, इसको इधर लेके गए, ठीक है। इधर क्या करना है हमने, इधर हमने इसकी कीमत को जो है पुट करना है, ठीक है, E की कीमत को पुट कर देना, ये आ गई। अब हम जानते हैं कि ये जो होती है, अब Q की कीमत को यहाँ पे पुट करना है, और इधर क्या है, यहाँ पे जस्ट हमने W लिख के मैक्सिमम कर दिया, इधर हमने W की कीमत को पुट किया हुआ है, ठीक है। फर्क कितना है, यहाँ भी सिर्फ W पे स्टॉप करना है, इधर W की कीमत को पुट करके फर्दर प्रोसेस करना है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको माइनस करो, ये माइनस में आ गया, माइनस माइनस जमा माइनस माइनस आ गया, ये दो आपस में कट गए, आगे हमारे पास आ गया ये इक्वेशन, इसको ये इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम पी, ठीक है। अब यहाँ पे W मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है ऑब्टेन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये क्या है वेस्ट जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, यूजफुल वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क प्लस वेस्ट वर्क, मतलब ये जमा ये, ठीक है। अब माइनस जहाँ इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये यूजफुल वर्क के इक्वल है ना, तो यहाँ यूजफुल लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, डिक्रीज गिब्स फ्री एनर्जी इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ये किसकी इक्वल होती है, इज इक्वल टू यूजफुल वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इधर ये आएगा, ये क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, ये तो था आज का हमारा